क्या सोनिया कितनी भी जल्दी कर ले, लेकिन बदतमीजी शुरू हो गई है शो पे। इवेंट पर पहुंचने में अक्सर लेट हो जाती हैं। असल में मैं इतना ज्यादा अपने ख्यालात में खोई भी हूं। 3 घंटे तक शीशे के सामने खड़ी थी यार, ये मेकअप नहीं 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 मुंह धोया नहीं है। ये हर कोई लेट, मतलब हर कोई मुझे बदनाम किया हुआ है बिला वजह। तो मतलब लेट हर कोई होता है। हाँ। तो आप जानबूझ के होती है, मतलब गलती होती है। आपके शो पे इतना टाइम से आई हूं मैं, क्या बात कर रहे हैं आप। क्या सोनिया की वालदा को लगा कि रिश्ता आ गया जब शोएब मलिक उनके घर आए थे? ये क्या सीन है? शोएब तो बेचारा क्या कोई भी लड़का आता अम्मी को ही लगता है रिश्ता है। अच्छा, तो मतलब शोएब मलिक से कोई खास बोली था, लेकिन अम्मी को तो होगा ना शोएब मलिक आया यार। शोएब बहुत तमीज़दार से एक इंसान है, तो आके ना अम्मी से सर पे हाथ फेरवाना। हमारे घर में ये बड़ा ट्रेंड है कि सर पे हाथ, छोटे हाथ फेरवाते हैं, फिर बैठना, फिर पूरी टाइम जी जी आंटी, जी जी मैं ये करता हूँ, जी जी आंटी, बस अभी मैं इसलिए। तो अम्मी को तो बड़ा शरीफ लड़का है, अम्मी को तो नहीं पता। तो शोएब ने कोई बात नहीं, अम्मी कह रही हाँ मैं कबूला में मंजूर है, तुम डेट फिक्स कर लो। तो बड़ा अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद है? मैंने कहा अम्मी शादीशुदा है और दोस्त है ये मेरा, क्या बात कर रही है, मतलब हर कोई थोड़ी। तो अम्मी ने क्या कहा, ओहो अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। अगला, क्या सोनिया के बारे में अफवाह उड़ाई गई कि सोनिया को कास्ट करना मुश्किल काम है? मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि मैं जब सेट पे जाती ना उससे पहले, दिस इज व्हाट आई बिलीव कि प्री वर्क होमवर्क जो होता है ना वो बड़ा जरूरी होता है सेट के ऊपर। जो प्री प्रोडक्शन होती है, आपका आर्ट का काम होता है, कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके बात करने का अंदाज। आजकल क्या होता है, आपको स्क्रिप्ट देते हैं बस, ज्यादा ये बात करते हैं कितने पैसे लेने हैं, अगर वो पैसे डालना चाहते हैं ठीक है कल से सेट पर आ जाए। लिटरली आजकल ये हो रहा होता है। तो मैं इसलिए मैं एक्टर को कैरेक्टर में जाने का टाइम नहीं मिलता, तो वो मुझे चाहिए होता है। फिर मैं 50-50 कॉल्स करती हूँ डायरेक्टर को। कोई सीन ऐसा आ जाता है कि जिसमें यू नो बॉडी शेमिंग हो रही है। जैसे कल मुझे याद है, कल मैं एक टेलीफिल्म कर रही थी, उसमें था कि अपनी माँ को कहती है कि ना, उसी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद तुम्हारे साथ जाऊंगी। कहती है क्या मतलब आपका मेरे साथ जहेज में जाने का इरादा है? तो मैंने कहा ये बेटी क्यों बोलेगी अपनी माँ को, मतलब जिस माँ का हस्बैंड अलाइव नहीं है या जिस माँ के साथ उसका बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी ही है कुल कायनात, तो वो ऑब्वियसली वो बेटी के साथ ही रहेगी। ये इसको हमने इतना टैबू क्यों बनाया हुआ है कि माँ ससुराल में नहीं रह सकती? ससुराल नहीं, अलग घर ले लें बाहर है, मतलब क्या रॉन्ग है इसमें? मतलब हस्बैंड के माँ बाप रह सकते हैं, बेटी के माँ बाप नहीं रह सकते। तो मैंने कहा मैं तो इस तरह की कोई भी बात नहीं करूंगी। तो इसलिए मुझे डायलॉग्स पे बड़ी ज्यादा मसले होते हैं, तो डायरेक्टर कहते हैं कि यार इतना टाइम हमारा ले रही है यार, इतना सर खपा रही है, तो भाई काम करने के लिए कर रही है ना। अल्टीमेटली मैसेज जा रहा होता है सोसाइटी में। ओके जी, अगला सवाल, क्या सोनिया को अक्सर लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल अदाकारों से बहुत मिलती हैं? अच्छा, किस से कंपैरिजन किया जाता है, किससे मिलती हैं? पता नहीं, हर किसी से मैं जैसा गेटअप करती हूँ उसमें मिला देते हैं। प्रियंका चोपड़ा का पता है? आप श्रीदेवी में कितनी मिलती? किसमें? श्रीदेवी में। मैं तो पागल ही हो गई ना सुन के। श्रीदेवी तो इतनी खूबसूरत है, मतलब प्रियंका भी अच्छी। प्रियंका की मुझे एज अ पर्सन अच्छी लगती है कि बड़ी यू नो एस्टैब्लिश्ड वुमन है, इंडिपेंडेंट है, वो चीजें अच्छी लगती है। श्रीदेवी वाकई प्रिटी थी, शी वाज रियली। तो वैसे आपको कौन सा कॉम्प्लीमेंट, आपको और कौन सी अदाकारों के साथ कंपेयर किया जाता है जो आपको खुशी होती है अरे यार उससे मिलती हूं? नहीं, ये सुन के मुझे वाकई खुशी। श्रीदेवी वाला, ओके चलो जी, श्रीदेवी होंगी हमारी सोनिया हुसैन यार, हमारा फखर है। ओके जी, अगला सवाल, क्या सोनिया एक सीन करते हुए पाँव में कील लगने से जख्मी हो गई? ये क्या सीन था भाई? आपको कैसे पता? ये टिच बटन का जमाना था। तो हम लोग वो सॉन्ग शूट कर रहे थे, मैंने बोल दी। तो वो वाला सॉन्ग शूट कर रहे थे, तो पहला ही टेक था और बड़ा सब कुछ सेट लगा हुआ, सारी चीजें, मैंने भागते हुए जाना है और बीच में खड़े होके एक शॉर्ट स्टेप करना है। तो वो मैं जब गई हूँ तो वो सेट के ऊपर एक कील रह गई थी, वो यू लिटरली इससे भी बड़ी, इतनी बड़ी कील थी, वो पूरी मेरे पाँव में गई है, क्योंकि पाँव आप जोर से रख रहे होते ना जब डांस कर रहे होते। तो गई और मुझे पता नहीं लगा, मैंने अपना पूरा स्टेप दे दिया। अच्छा, पता नहीं चला? नहीं, क्योंकि आई डोंट नो, जब आप आई थिंक वर्कआउट कर रहे होते हैं कुछ है, तो खून तक गर्म हुआ था, आपको उस वक्त नहीं पता लग रही होती। तो गई और फिर वापस शॉट देके वापस आ गई, ताली बजी, ओ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शॉट, वापस आई हूँ। तो डायरेक्टर ने कहा सुनो सेट लाल क्यों हो रहा है? सेट लिटरली ऐसे 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 लाल हुआ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो देखे, जाके देखा तो वो जहां से सेट से मैं वापस आके अपनी चेयर पे बैठी थी वहां तक रेड हुआ था। वो ब्लीडिंग हो रही थी और किसी को पता ही नहीं लगा, क्योंकि इतना क्योस मचा हुआ था फिल्म के सेट पे। तो वो देखा, तो फिर सब उसके बाद सब आए, फिर वो ठीक किया। खैर उस रात पूरा मैंने शूट किया, सारा डांस, ये सारी चीजें। अगले दिन मेरा पाँव इतना ज्यादा बड़ा हो गया था। तो वो कील फिर नीलामी के लिए रखवाई गई। ये कील सोनिया को इसकी नीलामी।